बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के फजल करम और आपकी दुआओं से आज का व्लॉग कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। आपने मेरे चैनल दिलीप बाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सो हमारे मिनट्स खत्म हो चुके हैं। तकरीबन 7 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई तहरान गया हुआ है, कोई किश गया हुआ है, कई मशहद, कई कुम और कई रमसर, बहुत ही प्यारी जगह वहाँ पर गए हुए हैं और सब तकरीबन टूर कर रहे हैं और हम रहते थे। तो आज हमारा अचानक प्रोग्राम बना है कि हम हमदान का चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। पहले मैंने वो जो व्लॉग बनाया था सफान का, वहाँ पर यहाँ पर बहुत कम होती है, वहाँ पर हमदान में नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह हम टूर लगाएंगे तो हो जाएगी, आप भी इंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह हम खुद भी इंजॉय करेंगे। तो हमारी आज रात 11 बजे की टिकट है बस के थ्रू, हमने जाना है हमदान की तरफ। तो फिलहाल हमने थोड़ा सा सामान लेना है, ख़रीदना है यहाँ से, तो वो हम लेने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं हसीब भाई और जैन भाई, वालेकुम सलाम। तो हसीब भाई का कोड लेना है, वो हम ढूंढने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि अच्छा कोड मिल जाए जो हमारा पर्सनैलिटी वाला लगे। और मैंने हेडफोन लेने हैं, एक बस मैंने हेडफोन लेने हैं। और जैन भाई हमें शॉप दिखाने जा रहे हैं कि कहाँ से लेना है। गरीब तो पता नहीं है ना शॉपिंग कैसे करते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। सो शॉपिंग करने से पहले हमें भूख लगी हुई थी, तो हम बहुत भूख लगी हुई है। तो हमने सोचा कि बैंतों पर कुछ खा लेते हैं। भाई 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 कह रहे हैं कि आदिल इकबाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, आप नहीं करते, ठीक है ना? ओके। तो ये जनाब अदनान भाई को पसंद आ चुका है, अभी डिसीजन कर रहे हैं कि ये लें या ना लें। बाकी यहाँ पर मुख्तलिफ वैराइटीज़ खड़ी हैं, इनमें से हमें कोई पसंद नहीं आया। और यहाँ हसीब भाई चेक करने गए हुए हैं, ये भी अदनान भाई जैसा लेना चाहते हैं। आप बताएं ये ले या ना ले। नहीं, प्यारा लग रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं प्यारा नहीं लग रहा। नहीं, आप खुद यार लग रहे हो, ले लो, ले 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 ले, ले, ले। सो जनाब आखिरकार मुंडे ने ये कोड ले लिए, 1000 तुमान का खर्चा कर दिए। खैर मुबारक खाना, तो अभी तक इस जनाब का लेने आए थे, इसे अभी समझ नहीं आ रही कि कौन सा लें, पता नहीं कैसी पसंद है। हम मेहनत कर कर थक गए हैं, ये इसने अभी तक नहीं लिया। और ये तो जो कोर्स हैं मुझे और जैन भाई को पसंद आ रहे हैं यार, काफी अच्छे। ये एक साइड है, ये साइड बड़ी प्यारी है, ये अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, दूसरी साइड ट्राई पहन के आपको बताते हैं, दिखाते हैं। और ये जना वही कोट है और इसकी ये दूसरी साइड है, काफी कमाल का लग रहा है, बिल्कुल मैच है। ये जैन को ज्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि इसने पैंट शर्ट पहनी हुई है और इसके साथ मैच है, बिल्कुल तो मैच लग रहा है, काफी जबरदस्त लग रहा है। अगर आप सब कहते हैं कि ले लो तो देन मैं आपको अकाउंट सेंड कर देता हूँ, वहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। फिर ले लेंगे तो फिर मैं पक्का ले लूंगा, पक्का। मैं अभी आपको पता है बात नहीं डालता। और इसको अब हसीब भाई ने चेक किया है, लेकिन इसे प्यारा नहीं लग रहा। नहीं, इसे भी प्यारा लग रहा है, असल में शलवार कमीज पहनी हुई है ना, तो इसलिए ज्यादा जज नहीं करता, लेकिन अगर पैंट शर्ट पहनी होती तो बहुत प्यारा लगता। तो हम शॉपिंग कर रहे थे, यहाँ पर सिंगर भाई बैठे हैं, ये हमें कुछ सुनाएंगे, आपको भी सुनाते हैं कि क्या फारसी में कहते हैं। सो हम पहले इस शॉप पर आए थे, ये वाला कोड लिया था, उसके बाद हमने पूरी मार्केट छान मारी इस भाई के लिए। अगेन इस शॉप पर हैं और ये वाला ले लिया, ये कलर डिसेंट लग रहा है हमें और ये थोड़ा चेंजिंग भी हो जाएगा जनाब, देखे थक भी गए। ये 2 घंटों की कंप्लीट मशक्कत के बाद हमने लिया। अच्छा, अब ये हसीब ने पहन लिया है और ये अदनान ने, दोनों को ये प्यारे लग रहे हैं, ऐसा समझें कि इन दोनों ने दो लिए हैं, कभी ये चेंज कर सकते हैं उसके साथ तो वो उसके साथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं बताना कि इनके पास है एक कोट लेकिन चेंज, सॉरी हैं दो लेकिन हैं इनके अलग अलग, लेकिन ये चेंज कर लेंगे तो इनके दो दो बन जाएंगे, इस तरह इनके 4 हो जाते हैं। अरे वाह, गुड आइडिया। सो हमने शॉपिंग कर ली, हमने 2 कोट लिए, एक हसीब का और एक अदनान का, मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की है। उसके बाद अब बज रहे हैं 8:45 और हमें 9:30 पर निकलना है, हमारे पास टाइम इतना नहीं है, खाना हमने जल्दी से खा लिया है। उसके बाद अब हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं, ये हमारा बैग यहाँ पर, मेरा और हसीब का सामान आना है और मैं दो
पैंट शर्ट साथ लेके जा रहा हूँ, एक ऐसे सिंपल सा मैं पहन के जाऊँगा क्योंकि रात है, किसी ने देखना तो है नहीं। और मेरा ख्याल यही है कि मैं ना एक ये लेके जाऊँ, ये मुझे अच्छी लग रही है शर्ट, और एक ये लेके जा रहा हूँ, ये मैं इनमें से कोई आज पहन के चला जाऊँगा। और उसके अलावा हसीब भाई कर रहे हैं मिसवाक जो कि सुन्नत है माशाल्लाह। और उसके बाद ये मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा लिया, ये पावर बैंक लगा लिया, और ये अब मैं दूसरा अपना मोबाइल लगाऊंगा। सो हम बिना वक्त ज़ाया किए पैकिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक, ये उठा लेते हैं वन, और एक ये उठा लेते हैं, और कौन सा कोट उठाएं, ये हम कोट उठा लेते हैं। दैट्स गुड। तो जनाब हमारे पास टाइम बहुत कम है, 15 मिनट पड़े हैं और मैंने तैयार होना है, तो फटाफट से तैयार हो जाती हैं। सो अलहमदिल्ला से मैं रेडी हो चुका हूँ, 9:13 पर मैंने स्टार्ट की थी तैयारी स्टार्ट करना, और अब 9:26 हो रही है और मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। ये मैंने शर्ट पहनी नीचे, उसके बाद ये स्वेटर पहनी, उसके बाद ये जैकेट पहनी है, तो उम्मीद है कि सर्दी नहीं लगेगी, और ऊपर इंशाल्लाह कैप पहनेंगे। और ये रहे साजिद भाई जा रहे हैं, और असीब भाई ब्लैंकेट डाल रहे हैं, पता यार ये ना डालो ना डालो बिल्कुल ना डालो। साथ तो रखेंगे क्यों यार, इसको रखो ना, टाइम बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम नीचे जाते रिसेप्शन पर, मिलते हैं रिसेप्शन। तो अब हम सब रिसेप्शन पर पहुंच चुके हैं, ये अदीप भाई वगैरह सारे खड़े हैं, और अब स्नैप वगैरह करवा रहे हैं, हम 3 स्नैप करवा रहे हैं क्योंकि हम बंदे हैं 9, तो 3 बंदे होकर जाएंगे, और ये हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा है, इंशाल्लाह हम टर्मिनल पर मिलते हैं। सो जनाब स्नैप हमारी आ चुकी है, और बाहर सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, इंजॉय कर लेते हैं। ये रही हमारी स्नैप, टाइम हमारे पास बहुत कम है, सॉरी हम साजिद वगैरह की स्नैप पर बैठ रहे थे, हमारी स्नैप जो है ये है। सलाम आगा खूबी। सो अब हम स्नैप पर बैठ गए हैं, और मेरे साथ स्नैप में बैठे हैं मुजम्मिल अलियानी, ये आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि बहुत अंधेर है, और उसके साथ अदील भाई फ्रंट पर बैठे हैं, ये थोड़ा नज़र आ रहे हैं क्योंकि लाइटिंग हो रही है। तो इस वक्त रात के तकरीबन 10 बजे हैं, और हम टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं, इस टर्मिनल का नाम है पियामाने सूफे। सो आगा साहब ने बड़ी जल्दी की, कहता है कि स्नैप नहीं मिलेगी टाइम पर, लेकिन मिल गई थी। सो हम घंटा पहले पहुंच चुके हैं यहाँ पर, इन सब का मुंह देख रहे हैं। तो जनाब हमारी बस का टाइम हो चुका है, तकरीबन बज रहे हैं 10:55, और अब हम अपनी बस की तरफ जा रहे हैं, बस हमारी सामने ही खड़ी है, और इंशाल्लाह बैठेंगे, और 8 या 7 घंटे का सफ़र इंशाल्लाह, फिर हम इंशाल्लाह हमदान पहुंच जाएंगे। ये रही हमारी बस। सो जनाब अब हम बस पर बैठ चुके हैं, मुझे ज्वाइन किया है आतिफ भाई ने हसान को, और पीछे ये सब बैठे हैं इंजॉय करें। सो मैं आपको बोर नहीं करूँगा इंशाल्लाह, जो अमेजिंग चीज़ होगी या कोई एडवेंचर होगा यहाँ पर बस के सफर के दौरान, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना हम इंशाल्लाह हमदान मिलेंगे। सो जनाब हमारी बस रवाना हो चुकी है, पहले हम आगे बैठे थे, अब हम हंसी वगैरह के साथ बैठे हैं, तो हमारे साथ एक एडवेंचर हो गया। एडवेंचर ये हुआ कि साथ भाई एक सीट पर बैठे थे, वहाँ सीट के साथ जो यहाँ पर होता है ये वाला, ये पहले का टूटा हुआ था, तो हमने ड्राइवर को बताया कि ये टूटा हुआ है, तो उसने कहा है कि नहीं आपने तोड़ा है, तो फिर वो कहता है, हमने कहा कि नहीं हमने नहीं तोड़ा, वो कहता है नहीं आपने ही तोड़ा है, तो फिर उसने कहा कि ऑफिस में आओ, हमने ऑफिस में गए, हम नहीं माने, हमने कहा कोई सबूत दिखाए, क्योंकि वो सबूत भी नहीं था, वो प्लास्टिक से पहले से जुड़ा हुआ था, और उसने कहा कि प्लास्टिक से आप जोड़ दो, तो फिर आपने नहीं तोड़ा होगा, ठीक है, फिर हमने प्लास्टिक से जोड़ दिया पाकिस्तान।
एडवेंचर आते हैं तो हम आपका जरूर आगाह करेंगे। पहला एडवेंचर है मेरे साथ, आगे आगे देखो इस सफर में होता है क्या। मैं जरा आप सबसे सबका इंट्रो करवा दूँ। ये जनाबा का साथ हैं असद भाई, साजिद भाई, अदील भाई, मुजम्मिल अलियानी, हसीब भाई, अदनान भाई, आतिफ भाई। सो जनाब हमें बस में प्रोवाइड किया गया एक केक, एक बिस्किट, एक जूस और एक मास्क। सो जनाब हमने 3 स्नैप्स करवा लिए हैं और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह तकरीबन 10-15 मिनट का सफ़र है, हम होटल पहुंच जाएंगे। तो ये लड़ भी रहे हैं, वैसे हम सुबह सुबह बाहर हॉस्टल के बाहर नहीं निकलते तो हमें सर्दी फील नहीं होती, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सर्दी फील हो रही है। तो आसमान में होती है लेकिन आई थिंक यहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होगी। सो सुना भी ऐसे है कि ज़्यादा ही होती है। अब जब गाँव से नई शहर है तो ऐसे वार्म अप होता है। तो सॉरी जनाब हम होटल नहीं गए, हम हमदान हॉस्टल आए हुए हैं। ये थोड़ा सा हॉस्टल देख रहे हैं, अदील भाई वगैरह बैठे हैं, ये जनाब इनका हॉस्टल है। और उसके बाद आज का यही वाला ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये आप हॉस्टल इंजॉय कर लें इनका, ये आई थिंक इनका 3 सीटर।